हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास सेवेंथ मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या है। अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एक कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है तो आपको जो आपका रूम टेम्परेचर है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस है उसको 5 डिग्री सेल्सियस से हर घंटे कम करना है। हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। और क्या टेम्परेचर होगा 10 घंटे बाद जब वो प्रोसेस शुरू होगी उसके बाद। तो आप देखते हैं फर्स्ट आर में क्या होगा, 40 तो इनिशियल था, माइनस 5 डिग्री हुआ है, 40 माइनस 5 क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब सेकेंड आर में क्या होगा, सेकेंड आर में ये 35 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 5 इसमें से भी माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 30। देन थर्ड आर में 30 माइनस 5 दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। देन हमारे फोर्थ आर में 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे फिफ्थ आर में 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर घंटे 5 डिग्री से हमारा टेम्परेचर हमें कम करना है। तो यहाँ पर हमारा सिक्स आर में क्या हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। सेवेंथ आर में हम कितना होगा, सेवेंथ आर में 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। एट्थ आर में 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर हमारे नाइन्थ आर में 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस में माइनस में चले जाएगा। और हमारे टेंथ आर में जो कि हमारा लास्ट आर होगा उस समय कितना टेम्परेचर होगा ऐसा उन्होंने पूछा है। तो माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा उस प्रोसेस के बिगिन होने के 10 घंटे बाद। तो इस तरह से क्या करना है कि हर घंटे 5 डिग्री से टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो जो आप टेंथ आर में आएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है रूम का वो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट हुई जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर राइट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, एंड माइनस 2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपका कोई आंसर गलत है तो उसके लिए माइनस 2 मार्क्स होगा पर आंसर के लिए, और 0 मार्क उन क्वेश्चंस को मिलेंगे जो आपने अटेम्प्ट किए ही नहीं। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन को 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट आंसर्स मिले तो उसका स्कोर कितना हुआ। पहली बात तो आपको बता दूं कि उसने 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट दिए, मतलब 4 और 6 10 क्वेश्चन, मतलब उसने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन ही थे, मतलब अन अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन का कोई सवाल ही यहाँ नहीं उठता। तो मोहन को 4 करेक्ट आंसर्स के लिए मिला, तो 4 करेक्ट आंसर अगर है तो 4 करेक्ट आंसर में अगर एक करेक्ट आंसर है तो कितना मार्क्स मिल रहा है, 5 मार्क्स। तो 4 के लिए 4 × 5 मतलब 20 मार्क्स मिला है। और वहीं अगर हम देखें तो 6 इनकरेक्ट आंसर भी है मोहन के, इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें क्या बोला है, एक इनकरेक्ट आंसर का माइनस 2 मार्क्स है, तो एक इनकरेक्ट और इसके 6 इनकरेक्ट हुए हैं तो 6 × 2 = 12 और माइनस की साइन आएगी तो माइनस 12 मार्क्स हो गए। अब अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो कि हमारा क्या बन जाएगा, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8। तो मोहन को ओवरऑल कितने मार्क्स आए हैं, 8 मार्क्स आए हैं, उसे ओवरऑल स्कोर कितना हुआ है 8 मार्क्स का। उसी क्वेश्चन में अब हमें सेकंड स्टूडेंट जो कि है रेशमा, उसके मार्क्स दिए हैं, तो रेशमा को 5 करेक्ट आंसर के मार्क्स मिले हैं, 5 करेक्ट आंसर दिए थे उसने और 5 इनकरेक्ट दिए थे, मतलब रेशमा ने भी क्या किया 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए थे, 5 करेक्ट के 5 × 5 दैट इज 25 मार्क्स उसे मिले हैं और 5 इनकरेक्ट भी दिए हैं उसने। तो 5 इनकरेक्ट के अगर उसके मार्क्स देखेंगे तो वो कितने होंगे, माइनस 2 एक के लिए और 5 गलत दिए हैं, मतलब 5 × 2 = 10 जो कि है माइनस 10, ये मार्क्स दिए हैं। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 25 माइनस 10 दैट इज 15 मार्क्स जो हैं वो रेशमा को मिले हैं ओवरऑल।
नेक्स्ट में हमें दिया है हीना के बारे में, एक थर्ड स्टूडेंट है उसके भी मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं. हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस. मतलब उसने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, मतलब उसके तो 0 ही मार्क्स है. जो अटेम्प्ट किए ही नहीं उसके लिए 0 मार्क्स है. तो 0 तो किसी में भी ऐड करेंगे तो नंबर तो आपका वही आना है. तो हम ये दो ही चीज़ों को देखेंगे. अगर 2 करेक्ट है हीना के, 2 करेक्ट के लिए 2 × 5 मतलब 10 मार्क्स मिल गए, और वहीं पे उसने 5 इनकरेक्ट दिए हैं. 5 इनकरेक्ट दिए हैं मतलब क्या हो गया, 2 ये हमारा -2 एक के लिए था, तो 5 के लिए कितना होगा, -10 मार्क्स होगा. तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो 10 - 10 ये दोनों को, ये 10 और ये -10 0 हो गया. मतलब रेशमा को ओवरऑल 0 ही मार्क्स मिले हैं. ये अटेम्प्ट करने वालों में 0 मिले हैं और अनअटेम्प्ट के तो 0 हैं ही, तीनों नहीं किए तो वो 0 ही हैं. तो वो 0 ये 0, मतलब ओवरऑल अटेम्प्ट ओवरऑल हीना का जो स्कोर है वो 0 हुआ है. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है. क्वेश्चन 8 को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.